नेक्स्ट चैप्टर है आपका 5, कोल एंड पेट्रोल। ये क्या है आपके नेचुरल रिसोर्सेज है। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनका यूज़ हम अपने बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मनुष्य के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। अब आपको यहाँ नेचुरल बताना है और मैन मेड बताना है कि नेचुरल कौन से हैं और मैन मेड कौन से हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। कि कहाँ से मिल रहे हैं हमको? नेचर से मिल रहे हैं। सिंस ऑल दिस आर ऑप्टेड फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज में ये सभी आ जाते हैं आपके। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एक्सिस्टेंस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? और इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। क्या आप बिना एयर के ब्रीथिंग कर सकते हैं? बिना सॉइल के क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं? बिना वाटर के आप जी सकते हैं? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। इज वाटर अ लिमिटेड लेस रिसोर्सेज? वाटर क्या है? एक लिमिटलेस रिसोर्सेज है। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू काइंड्स। जो प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं उनको दो प्रकारों में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट है इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ऐसे नेचुरल प्राकृतिक सोर्स जो बहुत अधिक मात्रा में नेचर में अवेलेबल है और जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे सनलाइट है, हवा है। ये क्या है आपके इन एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है। और ऐसे रिसोर्सेज जो कम मात्रा में प्रेजेंट हैं और आफ्टर टाइम कुछ समय बाद वो नेचर से ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका पेट्रोल है, कोल है, जंगली जानवर है, मिनरल्स हैं। अगर पूरे वाइल्ड लाइफ कब ख़त्म हो जाएगा? जब फॉरेस्ट कट कर देंगे तो वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपके एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो सकते हैं, जिनका विनाश हो सकता है। एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एक्सेस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ईच ग्रुप मे हैव अ डिफरेंट कंज्यूम्पशन पैटर्न। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी? इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वेयर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एक्सेस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम कुछ एक्सेस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस को रीड करेंगे। दिस वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमाइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? डेड रिमाइंड के द्वारा, हजारों साल पहले जो पेड़ पौधे जीव अर्थ के अंदर दब गए हैं उनसे इन इनएक्सेबल नेचुरल रिसोर्सेज का फॉर्मेशन हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉसिल्स, सो दिस आर ऑल नोन एज फॉसिल्स फ्यूल्स। और इनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है कोल। ये क्या है? इनएक्सेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। यू मे हैव सीन कोल आर हार्ड। क्या है? कोल आर हियर्ड अबाउट इट। इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। ये हार्ड होता है, स्टोन के समान होता है और ब्लैक कलर का होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल का एक यूज क्या है? भोजन बनाने में किया जाता है। अर्लियर टाइम इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन में भी इसका यूज किया जाता था, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रेन को चलाने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट्स में भी कोल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। और बहुत सारे कारखानों इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में कोल का यूज किया जाता है। अभी कोल की स्टोरी क्या है, कैसे कोल बना, कैसे उसका यूज आया? वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म?
हमको कोल कहाँ से मिलता है और ये कैसे बनता है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स आल्सो एगो द अर्थ एंड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज। करीब 300 मिलियन ईयर पहले अर्थ के अंदर जो डेंस फॉरेस्ट क्या हुए जमीन के अंदर लो वेटलैंड गीली जमीन के अंदर वो दब गए ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। के बाद क्या हुआ लाइक फूडिंग फ्लडिंग आया बाढ़ आया दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल और ये जो फॉरेस्ट है वो सब कहाँ दब गए मिट्टी के अंदर दब गए। दिस फॉरेस्ट अंडर द सॉइल एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर दम और इसके ऊपर बहुत सारी सॉइल जमा हुए। दे वेयर कंप्रेस्ड द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सेंक डीपर एंड डीपर और इसके ऊपर टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा होने लगी। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल और जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे काय में कन्वर्ट हो गए कोल में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेंस मेनली कार्बन और कोल में बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इन टू कोल वह धीमी प्रोसेस जिसके द्वारा डेड वेजिटेशन काय में कन्वर्ट हो गया कोल में कन्वर्ट हो गया तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमाइंस ऑफ वेजिटेशन कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल और कोल क्या है आपका एक फॉसिल फ्यूल है। ये कोल माइन इज सोल और ये हमें कोल माइन में